अपना लेक्चर कौन सा है इसका? आज फोर्थ है ना? क्यों हो गया, बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया? हाँ बताता हूँ। यस अंशु पूछो। चलिए हाँ जी भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। करेंगे शुरुआत ना? ओके चलिए। तो कल का जो मैंने पढ़ाया था उसके पहले एक छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्चुअल जो है यहाँ पर क्वेरी आई है कि भाई सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज में क्या फर्क होता है ना? सुनिएगा, तो यहाँ पर जब भी हम किसी लॉ को लिखते हैं तो एक मेन पैराग्राफ होता है जिसको अपन कहते हैं सेक्शन। ठीक है, सपोज ये सेक्शन नंबर 1 है। अब उसके अंदर आपके अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। तो सेक्शन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसको अपन कहते हैं सब सेक्शन। दीज आर कॉल्ड सब सेक्शन, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4। ठीक है, अब ये जो आपके पास सब सेक्शन है इसमें भी हो सकता है पॉइंट्स हो ए बी सी, फिर इसमें ए बी, इसमें ए बी, इसमें ए बी सी, ऐसे अलग अलग उसके भी अंदर के सब पॉइंट्स हो सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉज। सो दिस इज योर क्लॉज, मतलब सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, क्लॉज ए। अभी क्लॉज के अंदर भी हो सकता है और पॉइंट्स है ना? क्लॉज के अंदर हो सकता है 1, 2, 3 ऐसे वाले पॉइंट्स है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सब क्लॉज। तो बेसिकली यहां पर पैराग्राफ्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उन सबका बाइफर्केशन होता है, दैट इज कॉल्ड योर सेक्शन, देन सब सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। तो जब इसको लिखा जाता है तो ये इस तरीके से लिखा जाता है ना, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज। लेकिन जब इसको बुक्स में लिखा जाता है ना, तो जब इसको पढ़ते हैं तो ये उल्टा पढ़ते हैं। तो आप किसी भी ऑथर को उठाकर देखोगे या कोई भी लॉ अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको रेफरेंस ऐसे मिलेगा कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1, उल्टा लिखा जाता है ना? जब बोलते हैं हम लोग तो यहां पर ऐसे ही बोलते हैं ना, जब लोग, जब हम लोग यहां पर बोलते हैं। अब आवाज थोड़ी बेटर है क्या पहले से? है ना, सुनेगा। तो जब हम लोग यहां पर बोलते हैं तो हम कहते हैं सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज एंड सब क्लॉज, सही है? लेकिन जब इसको लिखा जाता है ना, तो लिखते टाइम हम बोलते हैं सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1। तो बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, और बोलते टाइम हम पहले सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज ऐसे बोलते हैं। समझ आया? तो बेसिकली आपका पैराग्राफ है उसके अंदर के जो सब पॉइंट्स हैं उनको हम सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज कहते हैं। क्या बोल रहे? मैं सोचता हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव छोड़ के सीए कर लूँ, क्यों, कोई पसंद आ गया क्या आपको उधर? ऐसे तो शिफ्ट नहीं होते बच्चे। चले चले हम आगे, है ना, करें कल कर एक बार कंटिन्यू, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सुनेगा, तो देखिए कल आपने पढ़े थे कि भाई आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो कुछ आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए थे सेक्शन नंबर 10 के, एंड कुछ थे आपके अदर देन सेक्शन नंबर 10 के। अच्छा, जिनका फर्स्ट फर्स्ट डे, उन्होंने पहले एक आध भी लेक्चर देखा है क्या, या पहले पढ़ा हुआ है आपका? पहले पढ़ा हुआ है आपको? पढ़ा हुआ है आपको? पढ़ा हुआ है ना, एक बार पूरा मतलब आपका लॉ पढ़ा हुआ है, करेक्ट है? ओके परफेक्ट। सुनेगा ना, सुनेगा ध्यान से। तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि आपका होता है जैसे कुछ एलिमेंट से सेक्शन नंबर 10 के एंड कुछ थे अदर देन सेक्शन नंबर 10 के। तो यहाँ पर देखो नॉट गिवन इन सेक्शन 10, तो हमने इसको ऐसे याद किया था कि भाई दो पार्टीज हैं ना, इन्होंने पहले ही सोच कर रखा कि मीनिंग एकदम सर्टेन रखेंगे, फिर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी सारी की सारी करेंगे, फिर उसके बाद है ना, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज करेंगे एंड जो रिलेशन जो बनाएंगे वो भी लीगल वाला बनाएंगे, और उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी रखेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब कि जो भी काम होगा उसको हम पॉसिबल जो होगा उसी को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, अदरवाइज नहीं। तो पहले था जैसे आपका टू पार्टीज, टू पार्टीज में क्या क्या लिखोगे एकदम फटाफट से कीवर्ड्स बताना, टू पार्टीज में क्या क्या लिखोगे आप लोग, है ना? कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए उसमें, आर्टिफिशियल रहा, नेचुरल रहा पर्सन तो भी चलेगा, ठीक है? देन नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पर क्या कहता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, है ना? तो सोशल डोमेस्टिक आपके जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे उसमें एक और चीज आप डालोगे, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, मतलब हम सामने वाली पार्टी को लीगली बाउंड करें, है ना? देयर शुड बी इंटेंशन टू लीगली बाउंड दी अनदर पार्टी, एंड डोमेस्टिक एंड सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट कवर्ड इन दिस, है ना? जैसे आपका यहाँ पर समझो कि बेलफोर वर्सेज बेलफोर था, है ना? बेलफोर वर्सेज बेलफोर में क्या था कि मियाँ बीवी थे, और मियाँ कहाँ पर चले गए थे? रुबानास, मैंने टेस्टेड बेटा कल एक्सप्लेन नहीं किया, आज एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ थोड़ा इंतजार करो, है ना? बताइए, है ना? बताइए। तो यहाँ पर बेलफोर, बेलफोर में जो हस्बैंड था उसने कहा था कि मैं वाइफ को हर महीने हर साल थोड़े थोड़े पैसे दूंगा, लेकिन बाद में भूल गया और वाइफ ने उसके ऊपर केस कर दिया, तो क्या ये केस वैलिड था? आंसर इज नो, रीजन मीन माना डोमेस्टिक सोशल था, देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, एंड सामने वाले को हम बाउंड नहीं करना चाहते थे इसलिए। डन,
ओके द नेक्स्ट वाला था आपका फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रहेगी वो पूरी करना पड़ेगा तो ही आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब आपका एग्जाम्पल आप जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के डाल सकते हो। देन नेक्स्ट आपका सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग बोले तो यहाँ पर क्या करेंगे, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब हम आपका मीनिंग एकदम एकदम क्लियर करके रखेंगे। कहने का मतलब कि कोई भी उसमें वेगनेस नहीं होगी, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी। इसमें एग्जाम्पल कौन सा डालोगे, तो ऑयल वाला डाल देना, वही मॉड्यूल का है, कोई दिक्कत नहीं है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर इम्पॉसिबल है तो पहले से हो जाएंगे वो वॉइड, जैसे खजाना ढूंढना वगैरह वगैरह ये सब चीजें। ओके डन। देन आपको दिया होता है द एलिमेंट्स गिवन इन सेक्शन नंबर 10, तो पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट में क्या लिखोगे, एग्रीमेंट में क्या लिखोगे, भाई दो चीजें होनी चाहिए, एक ऑफर दूसरा एक्सेप्टेंस। ये तो जरूरी है। एग्रीमेंट की आप डेफिनेशन लिख दोगे। एग्रीमेंट की डेफिनेशन किस में दी गई है, टू ई में, है ना, टू ई में दी गई है। एंड डेफिनेशन कैसी है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। ठीक है। एंड आपके प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या थी, टू बी में थी, है ना। स्टार्टिंग कैसी थी, द पर्सन टू हुम दी प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज ना एसेंट ऑन सच प्रपोजल, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस। ठीक है डले, है ना। चलिए देन नेक्स्ट आपको यहां था कि भाई प्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। तो इसमें दो पॉइंट आपके मेन थे। प्री कॉन्सेंट मीन इट शुड नॉट बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ दोस फाइव रीजन, कौन कौन से, कोर्जन है ना, एंड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक। एंड सेकंड वाला इसमें एक और चीज लिखना है, माना कॉन्सेंसस एड आइडम बोले तो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, माना कॉन्सेंसस एड आइडम बोले तो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। इधर चल रहा है ना जोरदार, तो उधर लेके जा, है ना, जिसको क्या बोलेंगे कॉन्सेंसस एड आइडम। ठीक है। देन नेक्स्ट आपको कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, तो पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए बोले तो, है ना, मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। देन नेक्स्ट वाला था आपका यहाँ पर, माने लॉफुल कंसीडरेशन लीगल ऑब्जेक्ट, माने लॉफुल कंसीडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट बोले तो, माने ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन दोनों लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। मर्डर वर्डर करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ अलाउड नहीं है, जो इलीगल वगैरह वो सब आपको अलाउड नहीं है। तो ये आप क्या क्या हो जाएगा, लॉफुल कंसीडरेशन लीगल ऑब्जेक्ट। तो ये सब आप कॉमन पॉइंट्स डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन नेक्स्ट वाला था आपका नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, बोले तो इसको लॉ ने ऑलरेडी वॉइड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, जैसे अपोस्टली पब्लिक पॉलिसी वगैरह रहा, तो ये सब आपका आ जाएगा इसमें, है ना, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ये भी डन है। ओके चलिए, हाँ नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो यहां पर आपके पास यही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए। देन नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, उसमें आपने पढ़ा था वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखोगे, इट शुड बी बाइंडिंग एंड इनफोर्सिबल, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट शुड कंटेन ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्जांपल डाल इसमें, आप इसमें डाल सकते हो, जो आपका हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इनफोर्सिबल। तो आपके लीगल लैंग्वेज हो गई। ठीक है। अब इसमें एक और चीज आप ऐड करेंगे कि भाई इनिशियली इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट सब्सिक्वेंटली इट बिकेम वॉइड बिकॉज ऑफ यस बिकॉज ऑफ इधर चेंज इन लॉ या फिर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, ये भी परफेक्ट है। ओके देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सो कॉन्ट्रैक्ट विच इज इनफोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो सिंपल वर्ड्स में इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी कैंसिल्ड बाय एन एग्रीड पार्टी। तो एग्रीड पार्टी को कैंसिल करवा सकती है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एंड दिस इज जनरली कॉज बिकॉज ऑफ दोज रीजंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट वाला आपके यहाँ पर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट हमने क्या बोला था, समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सेकंड पॉइंट, माना जो भी आपके एंसिलेरिया रिलेटेड एग्रीमेंट्स रहेंगे, इवन दोज कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, है ना, जो भी इससे रिलेशन में आपके इसके रिलेटेड जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, तो अगर मेन वाला कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो जो एंसिलरी वाला रहेगा वो भी आपका इलीगल माना जाएगा। जैसे कल हमने देखा था माना इसमें कि भाई मर्डर वर्डर हमको करना था, लेकिन उसके लिए हमने लोन लिया था, तो मर्डर वाला तो भाई इलीगल था ही, एंड जो लोन आपने लिया था वो भी आपका फिर इन्फोर्स आप नहीं करवा पाओगे। ठीक है। देन उसमें लिखा था क्या सारे के सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड है,
क्या सारे के सारे इलीगल वर्ड है? यस. क्या सारे वर्ड इलीगल है? नहीं है ना, क्योंकि वर्ड होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं. डन, समझ आया? ओके. द नेक्स्ट आपके यहाँ पर अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट. अनइनफोर्सिबल बोले तो विचार विच हैज सम काइंड ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट एंड वंस द टेक्निकल डिफेक्ट इज रिमूव्ड. एक बार आपने टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव कर दिया तो आपका है ना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड हो जाएगा. समझ आया? ओके. तो ये आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी या फिर इनफोर्सिबिलिटी. चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट पर चलिए. तो नया वाला मुद्दा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर जो की पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये आपको याद होना जरूरी है. यही तो मेन कंटेंट है ना जो आपको आंसर्स में लिखना है. सही बात है? ओके. चलिए सुनिएगा. तो नेक्स्ट आपको दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. नेक्स्ट आपको दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. तो हम जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वो हो सकता है एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइड हो या फिर कॉजी हो या फिर ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर आपका टेसिट कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर इसमें आपका एक और नाम आता है जिसका नाम है एसेट कॉन्ट्रैक्ट. तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, सुनेगा. तो यहां पर सबसे पहले क्या उन्होंने बोला है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. मैंने सबसे पहले क्या उन्होंने बोला? उन्होंने एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू मीन बाय एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट? मैंने विच इज एक्सप्रेस्ड इधर इन वर्ड्स और इन मैंने राइटिंग. सो इट कैन बी ऑफ एनी काइंड. एक्सप्रेस करना जरूरी है, चाहे वर्ड्स में किया, ओरली किया तो भी चलेगा, या फिर आपने रिटर्न में किया तो भी चलेगा. दैट इज कॉल्ड इज योर है ना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. तो इन्होंने क्या क्या बोल के रखा है मेन मेन चीजें. सो दीज द टर्म्स आर एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स और इन रिटर्न. देन इफ अ प्रपोजल इज मेड इन वर्ड्स अदर देन प्रॉमिस देन इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड. तो ये है ना काम का नहीं है. देन एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल. ए टेल्स टू बी ऑन टेलीफोन दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर रुपीज 2 लाख. ए ने बी को बोले, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो है ना, कोई भी चीज आप डाल सकते हो. जैसे इन्होंने बोला है कि ए ने बी को फोन पे बोला कि मैं अपना घर आपको बेचने के लिए तैयार हूं. ये क्या हो गया? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि हमने है ना बोल के किया है ना, क्योंकि हमने बोल के किया. दिस इज योर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. सिंपल एकदम. ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आपको मेन चीजें क्या यहाँ पर लिखनी है? दैट इज टू बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स. इट कैन बी इधर रिटन और ओरल, कैसे भी चलेगा. समझ आया है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आपके कीवर्ड्स क्या रहते हैं? है ना बाय द पर्सन. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में कीवर्ड्स आपके क्या आने चाहिए? द कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड बाय द इंप्लीकेशंस या इट इज मेड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. मैंने यहां पर आपका कीवर्ड आना चाहिए. द कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड इज योर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल शब्दों में क्या होता है? इशारों इशारों में. मैंने इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सिंपल शब्दों में क्या होता है कि आपने इशारों इशारों में निपटा दिया है ना, अदरवाइज देन बाय वर्ड्स. यहाँ पर आपके वर्ड्स यूज नहीं होने, दैट इज कॉल्ड इज योर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें आप लिखेंगे विच इज मेड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, इट इज कॉल्ड इज योर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल माना एटीएम आप जो बोलोगे है ना उसको आप रखना टेसिट में है ना. दो एग्जाम्पल्स आप टेसिट में रखेंगे स्पेसिफिकली, उसमें से एक आपका एटीएम आएगा. उसके अलावा इंप्लाइड में क्या रखेंगे हम? बस वाला है ना, कूली वाला है ना, ऑटो वाला, पढ़ा होगा ना आपने है ना. तो इसमें सब इन सब में क्या होता है कि भाई है ना बस आपके सामने आके रुकी, आपको ऑलरेडी पता था कि भाई कहाँ पर आपको उतारने वाली है. आप गए, टीटी आया है ना, जो कंडक्टर आया आपने उसको पैसे दिया, उसने भी कुछ नहीं बोला, आपने भी कुछ नहीं बोला. सपोज 20 रुपये टिकट थी, आपको ऑलरेडी पता था, आपने 20 रुपये दिए, आप बस में बैठे, जहां पर स्टॉप आया आप वहां पर उतर गए. तो आपने किसी से कुछ भी बात नहीं की. तो जो बस आपके सामने आके रुकी थी वो एक तरह का आपके लिए ऑफर था. आप जैसे उसमें चढ़ गए तो वो हो गया आपका एक्सेप्टेंस. ठीक है, तो ये आपका क्या था? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए वर्डिंग्स क्या बोलिए. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय इंप्लीकेशन है ना, इंप्लीकेशन से आता है. तो इंप्लीकेशन इज बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम. मतलब दिस इज मेड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. पहला इट इज मेड थ्रू इंप्लीकेशन, मीन्स इट इज मेड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज. आप इसमें जो बोल रहे थे ये भी आप ऐड कर सकते हो. इट इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड्स. इट इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड्स. तो वर्ड्स के अलावा मतलब आप इशारों इशारों में यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे. दैट इज कॉल्ड इज योर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, व्हाट्सएप के इमोजी कॉन्ट्रैक्ट किया वो इंप्लाइड होगा क्या? व्हाट्सएप में इमोजी भेज के कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो इंप्लाइड होगा क्या? शुभम पूछ रहा है ना, व्हाट्सएप में इमोजी भेज के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा इंप्लाइड होगा या एक्सप्रेस होगा? एक्सप्रेस होगा ना भाई,
लिखा है ना आपने, कुछ तो लिखा है ना, हमने थोड़ी बोला कि भाई पेन से लिखना है, डिजिटल लिखना भी चलेगा तो भी क्या हो जाएगा आपका, है ना, एक्सप्रेस कॉन्टेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, है ना। चलिए देन, तो यहाँ पर क्या बोला है, ए ड्रिंक्स अ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट, इट इम्प्लाइज दैट ही विल पे फॉर इट, है ना। इसको मैं अलग से आपको लिखवाता हूँ, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या बोला है, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप वहां पर बैठे, सपोज आप चाय टपरी में गए, वो सिर्फ चाय ही बेचता है, आप जाके बैठे, उसने चाय आपके सामने रख दिया, आपने चाय पी एंड आप पेमेंट करके चले गए, ये क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, आपने कुछ बात ही नहीं की ना। तो जहां पर आप बात नहीं करते हैं, ओरल भी नहीं करते हैं, रिटर्न भी नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, एकदम परफेक्ट है, ओके। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर टेसेट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू मीन बाय टेसेट कॉन्ट्रैक्ट, है ना, व्हाट डू मीन बाय टेसेट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ सुनो, ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोल के रखा है कि आपका एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव वगैरह लिखा हुआ है, टेसेट नहीं लिखा हुआ है, टेसेट में आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। बताओ वैसे टेसेट का मतलब क्या होता है, टेसेट कॉन्ट्रैक्ट आपने सुना होगा पहले, टेसेट मतलब भी क्या होता है, एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। ठीक है, तो आप इसमें लिखना, टेसेट कॉन्ट्रैक्ट में लिखना, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यस हर्ष, एकदम परफेक्ट है, मैंने इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस ऑल्सो एग्रीमेंट is made otherwise than by words. In this also agreement is made otherwise than by way of words. आप इसमें words का इस्तेमाल नहीं करते हैं. And tacit का meaning क्या होता है? Tacit means silent. अरे tacit का वैसे भी meaning क्या होता है? तो tacit का meaning होता है यहाँ पर silent. टेसेट का मीनिंग होता है साइलेंट। देयर इज अ वेरी थिन लाइन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन implied and tacit contract. There is a very thin line of demarcation between tacit and implied contract. Demarcation मतलब जो आपको differentiate करे, है ना, demarcation मतलब जो आपको differentiate करे, तो इन दोनों का difference बहुत ही rare है, मतलब कम है, thin line है, and इसमें आपके examples में दो ही लिखना आप, कौन कौन से, एक होता है ना ATM and second आपका ऑक्शन, माना इसमें दो चीज होती है, एक आपका होता है एटीएम एंड सेकंड आपका होता है ऑक्शन, मतलब कैश विड्रॉल फ्रॉम ऑटोमेटेड टेलर मशीन एंड दूसरा आपका हो जाएगा बिडिंग इन एन ऑक्शन। देखो ऑक्शन वैसे जो होते हैं वो बोल बोल के होते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास बेस प्राइस सेट है, माना समझो हमने बोला कि भाई धोनी का बेस प्राइस समझो 5 करोड़ है ना, आईपीएल की टीम का ऑक्शन हो रहा है, सबको पहले डिस्प्ले में दिख गया कि धोनी का जो बेस प्राइस है वो 5 करोड़ है, और हमने पहले ही बोल दिया कि भाई जो जो अपना हैंड रेस करेगा प्राइस एक 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 करोड़ से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले एक बार के लिए बेस प्राइस आ गया, धोनी का बेस प्राइस 5 करोड़ है, फिर समझो कि है ना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार हाथ उठाया तो 6 करोड़ हो गया, है ना, फिर मुंबई इंडियंस ने उठाया तो 7 करोड़ हो गया, है ना, फिर पंजाब ने उठाया तो 8 करोड़ हो गया, फिर गुजरात टाइटन्स ने उठाया तो 9 करोड़ हो गया, तो गुजरात टाइटन्स ने लास्ट उठाया, उसके बाद समझो कि 5-10 सेकंड निकल गए, किसी ने कुछ नहीं बोला, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्शन सिर्फ वो वाला आएगा जिसमें हम लोग शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते,
अगर इसमें ऑप्शन आएगा भी तो सिर्फ वो आएगा जिसमें हम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप ऑप्शन चीख चिल्ला के करते हो तो फिर वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, समझ आया ना। जहां पर टेसिड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल्स में दो ही चीजें आती है, एक आपका एटीएम एंड सेकेंड आपका ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन भी सिर्फ वही जो बिना बोले किया गया, समझ आया। डन, या तो कोई डाउट को दिक्कत तो बताइए, चले हम आगे। ओके परफेक्ट, तो ये वाला आपका फंडा हो गया कौन सा, टेसिड कॉन्ट्रैक्ट वाला। तो ये एक तरह का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है, बस इसमें दो ही एग्जांपल्स है जो मेनली आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट 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 आपके यहां पर दिया गया क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। अरे नेक्स्ट आपके यहां पर क्या दिया गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, विच इज इम्पोज्ड बाय लॉ, है ना। और क्या लिखेंगे इसमें, करेक्ट, इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। हाँ, दिस इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स इट इज नॉट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ये सब नहीं होता है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है विच इज मेड बिकॉज ऑफ द लॉ, विच इज इम्प्लाइड बाय द लॉ, कानून बोलता है इसलिए आपको फॉलो करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स मतलब आपके गुड्स अगर गुम गए, किसी को मिल गए, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको गुड्स लौटाए, पर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे भाई, आपको गुड्स लौटाए, है ना। आपके ने उसके साथ कोई ऑफर नहीं किया था, कोई एक्सेप्टेंस नहीं किया था, फिर भी सामने वाला आपको कंपल्सरी गुड्स लौटाएगा। आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था लेकिन उसको लौटाना पड़ेगा क्योंकि लॉ बोलता है, सही है ना, है ना। अगर आपका समझो आईफोन यहां पर गिर गया और मुझे मिल गया तो मैं क्या करूंगा, मैं तो लेके निकल लूंगा, है ना। मेरी जिम्मेदारी है लौटाना, वो बात अलग है ना। मैंने आपके साथ कोई डील किया क्या कि भाई आपका कभी कोई सामान गिरा तो मैं लौटाऊंगा, ऐसी कोई डील नहीं की है, लेकिन लॉ ऐसा कहता है कि भाई इफ यू आर अ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ट्रू ओनर को ढूंढे एंड उनको वो चीजें वापस लौटाएं, ठीक है। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहा जाता है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली ना, सिमिलरली सपोज अगर यहाँ पर दीपेश सर जो है वो वैभव सर को पेमेंट कर रहे थे 5 लाख रुपए का, है ना, गलती से वैभव की जगह वैभवी को सेंड हो गया, कोई है क्या अपने बीच में, नहीं है ना, समझो कि वैभव की जगह अगर वैभवी को सेंड हो गया 5 लाख रुपए, तो वैभवी की जिम्मेदारी क्या है, पैसा उड़ा देने का। उसकी जिम्मेदारी क्या है कि अगर आपको गलती से पैसे मिलते तो आपको वो लौटाने पड़ते हैं, क्यों, कौन बोलता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलता है, ठीक है। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स विच इज नॉट फॉर्म थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं बनता है, दिस इज मेड थ्रू द लॉ, इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ, मतलब किसी कानून ने बोला इसलिए आपको फॉलो करना पड़ता है, सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। परफेक्ट है ना, अगर आपने ऑक्शन में बोल दिया ओए तेरी तो यह एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, है ना। यस, आपने एक भी शब्द अगर बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट के डीलिंग्स के दौरान तो आपका वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सुनिएगा। तो हमने क्या बोला, दिस इज नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल तो नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। लॉ क्रिएट्स और इन्फोर्स लीगल राइट्स विद नो रियल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, तो लॉ क्या करता है आपके ऊपर कुछ, है ना, आपको कुछ अधिकार देता है एंड एक्चुअली में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज बट लॉ इम्पोजेस कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता लेकिन लॉ ने बोला इसलिए अपने को कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहां पर आपको बोला है ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम टू द ओनर, तो यहां पर फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स की यहां पर जिम्मेदारी की किसको लौटाए, ट्रू ओनर को लौटाए, सही है, समझ आया। ओके, देन लास्ट वाला आपको यहां पर दिया गया ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू मीन बाय ई कॉन्ट्रैक्ट, यस, जैसे आपका किसी ने रिचार्ज करवा दिया था 699 का, हाँ जी, मैंने एक बार मेरा किसी ने रिचार्ज डाल दिया था गलती से, कुछ तो 700 रुपये का रिचार्ज डाल दिया था, है ना, कुछ तो दोपहर का टाइम था तो मैं रिचार्ज करने वाला था, एक दिन में ऑटोमेटिक रिचार्ज हो गया, मैं तो खुश हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, कंपनी ने फ्री बांट दिया मुझे ऐसा लगा। फिर आधे घंटे के बाद एक कॉल आया कि गलती से मैंने आपके नंबर पर रिचार्ज कर दिया है, तो क्या आप वो पैसा रिफंड कर सकते हो, गया दे दिया मैंने उसका, फिर मैंने फ़ोनपे पेटीएम पर वापस भेज दिया, भेजना नहीं चाहिए था बट कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, गलती से बेनिफिट मिल गया था ना तो मुझे यहाँ पर लौटाना पड़ेगा, ठीक है, समझ आया। चलिए अब नेक्स्ट आपको दिया गया ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू मीन बाय ई कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच इज मेड थ्रू दी
इलेक्ट्रॉनिक मोड है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब आप व्हाट्सएप पे बना सकते हो, ईमेल पे बना सकते हो, है ना, इस तरीके की जो चीजें होती होता है आपका है ना ई कॉन्ट्रैक्ट। तो उन्हें क्या बोला है, जहां पर आप यूज करोगे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सो डिफरेंट पार्टली क्रिएट्स ए नेटवर्क विच आर लिंक्ड टू अदर नेटवर्क थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, है ना, सो दी कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड थ्रू दी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ईडीआई। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईमेल, एंड आपके ई कॉन्ट्रैक्ट्स के और भी नाम होते हैं, जैसे ई कॉन्ट्रैक्ट्स के और भी नाम होते हैं, जैसे साइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेरी गुड, माने इसको हम साइबर कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। दूसरा है ना माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, यस, है ना ई कॉमर्स, वो तो ई उसमें ही आ गया आपका, है ना ई कॉन्ट्रैक्ट में। तो इसके देखो और भी नाम होते हैं, जैसे क्या ना आपका है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तो ठीक है, एक तो ये है, उसके अलावा दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइबर कॉन्ट्रैक्ट या फिर माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं है, वैसे आपके पास मॉड्यूल में मिल जाएगा, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट या फिर है ना साइबर कॉन्ट्रैक्ट। बोले डन। आयुष कह रहे लड़की थी क्या जिसने रिचार्ज किया था, अलीबाग का कोई बंदा था, अलीबाग का था इसलिए कर दिया। ठीक है, चले हम आगे, है ना, ओके। देखो तो ये आपके हो गए कॉन्ट्रैक्ट, कौन से टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, कॉजी है, ई कॉन्ट्रैक्ट है एंड टेसिट है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस मतलब जो आपने वर्ड्स के थ्रू किया हुआ है, मीन्स विच इज मेड थ्रू वर्ड्स, इट कैन बी इधर रिटन और ओरल, है ना, कैसे भी चलेगा, इट इज कॉल्ड योर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्जाम्पल आप लिख के आ सकते हो। आप इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखेंगे, विच इज इम्प्लाइड थ्रू दी है ना कंडक्ट ऑफ दी पार्टीज एंड विच इज मेड अदरवाइज देन बाय है ना वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप एग्जाम्पल डाल के आ जाओगे। देन इम्प्लाइड के जैसे क्या होता है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट मीन्स साइलेंट। ठीक है, और क्या लिखोगे उसमें, इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही वो टाइप है और मेड थ्रू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, यहां भी आप डाल सकते हो, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, है ना, देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड टेसिड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जाम्पल तो जरूर लिख के आना, एक पहला आपका एटीएम एंड सेकेंड आपका ऑक्शन। ठीक है, डन है। देन नेक्स्ट वाला आपका कौन सा, नेक्स्ट वाला आपका यहाँ पर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोले तो है ना, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोले तो विच इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट विच इज टू बी फॉलोड बिकॉज ऑफ इम्प्लीकेशन बाय लॉ, लॉ ने बोला इसलिए अपने को यहाँ पर फॉलो करवाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इज योर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अलावा और क्या इसमें लिखोगे, इट रिजेंबल्स टू दैट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। फिर एग्जाम्पल लिख देना कौन सा, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। ठीक है, एंड लास्ट वाला आपको यहाँ पर दिया गया ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू मीन बाय ई कॉन्ट्रैक्ट, नहीं दुआ फारूकी करिए ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, एक बस हो गया, है ना, चेकर के लिए एक समझ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका ई कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू मीन बाय ई कॉन्ट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इट हैज अदर नेम्स एज वेल लाइक साइबर कॉन्ट्रैक्ट, है ना, माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड इसमें जो आप जैसे ईमेल वगैरह लास्ट में डाल सकते हैं। डन, क्लियर है, चले हम आगे, है ना, ओके। चलो देखो, अब इसके बाद आपको दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसका मैसेज था, किसी का नहीं, फिर मिस कॉल आके गया, मिस कॉल में इतना मुस्कुरा रहे हो बताओ। चलिए नेक्स्ट आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने बोला कि इसमें दो टाइप के हैं, एक तो एग्जीक्यूटेड एंड एक एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब है ना जो ऑलरेडी हो चुका है, when both the parties to a contract have performed their part, when both the parties to a contract have performed their part, मतलब यहाँ पर offer offeree होगा, offerer acceptor होगा, जब दोनों parties ने अपना काम कर दिया, that is called as executed contract, and अगर एक ही party ने काम किया है, या फिर दोनों का बचा हुआ है तो executory contract, if any of the party is yet to perform his part or obligation, if any of the party is yet to perform his or her obligation is called as your executory contract। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, unilateral and bilateral। unilateral बोले तो जब एक पार्टी का बचा हुआ हो तो unilateral, जब दोनों parties का बचा हो तो bilateral। ठीक है, तो unilateral कैसे लिखोगे, when only one of the party is yet to perform his part, या फिर if the performance is pending on the side of only one party or it is pending by only one party, it is unilateral, यूनिलेटरल
executory contract and if it is to be performed by both the parties, yet to be performed by or pending by both the parties, then it is called as bilateral executory contract. Simple शब्दों में executed executory, जब पूरा का पूरा काम हो चुका हो तो executed, जब काम अधूरा हो तो executory, एक पार्टी का अधूरा हो तो unilateral executory, दोनों पार्टीज का बचा हो तो bilateral executory. ठीक है, समझ आया? है ना, मुझे पढ़ाना बाकी है एंड आपको मुझे सोने का सिक्का देना बाकी है. एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल या बायलेटरल? बायलेटरल. ठीक है, आपने सोने का सिक्का कल ही लाकर दे दिया और मेरा पढ़ाना बाकी है तो यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी. मेरा पढ़ाना भी हो गया तो एग्जीक्यूटेड बन जाएगा. ठीक है, जब दोनों काम हो गए तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड. है एकदम सिंपल सा, समझ आएगी नहीं बोलिए, आया ना? है ना, ओके परफेक्ट. तो ये आपके हो गए है ना टाइप्स ऑफ डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. देन आपको यहां पर उन्होंने बताया कि भाई इसका डिफरेंस किसका, है ना, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट का. तो इसमें आपको स्कोप, नेचर, पनिशमेंट, कोलेटरल एग्रीमेंट ये सब दिया हुआ है. तो भाई वॉइड एग्रीमेंट का पहले दिया गया स्कोप. क्या हर वॉइड इलीगल होता है? नहीं. लेकिन क्या हर इलीगल वॉइड होता है? आंसर इज यस. नेचर वॉइड मतलब इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ. इलीगल एग्रीमेंट में लिखा हुआ था डेफिनेशन में इट इज समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन बाय लॉ मतलब जिसको लॉ मना करके रखता है, प्रोहिबिट करके रखता है. एंड वॉइड को आपने कोई प्रोहिबिशन नहीं किया, वॉइड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, देन क्या मतलब, मुझे भी 90 प्लस लाना और आपका आईफोन देना बाकी है. वेरी गुड, है ना, एग्जीक्यूटरी बायलेटरल. सुनो नेक्स्ट है पनिशमेंट. तो यहां पर इलीगल में आपको पनिशमेंट मिलता है क्या, है ना, इलीगल में, इलीगल में, इलीगल में यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट, बट इन वॉइड यू आर नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट. देन नेक्स्ट आपका कोलेटरल एग्रीमेंट मतलब जुड़े हुए, है ना, एक ही मिनट बस. कोलेटरल मतलब होता है ना जुड़े हुए, मतलब रिलेटेड. तो अगर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है तो कोलेटरल भी इलीगल रहेंगे, जैसे वो मर्डर और उसका लोन था, ठीक है, बॉम्ब का. लेकिन अगर वॉइड आपका इलीगल है, आपका वॉइड जो है, अगर आपका एग्रीमेंट वॉइड है तो कैसे जुड़े हुए भी वॉइड रहेंगे? जरूरी नहीं है. इलीगल से जुड़ा हुआ हमेशा लीगल रहेगा, लेकिन वॉइड से जुड़ा हुआ हमेशा वॉइड हो जरूरी नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. इंडियन पिनल कोड सिर्फ एक लॉ है, उसके अलावा बाकी जगह पर भी लिखा हुआ है ऐसा. मतलब काफी सारी चीजें आपको अलग अलग जगह पर मनाए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, ऐसे बहुत सारे लॉज है ऐसा. इंडियन पिनल कोड जो आपने मेनली पढ़ के रखा है वो आपने पढ़ के रखा है कोअर्जन में. मतलब कोअर्जन जब आप पढ़ते हो तो वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ कि कोअर्जन मीन समथिंग और यू आर डूइंग समथिंग विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड, चाहे फिर वो इंडिया में करो इंडिया के बाहर करो. तो इंडियन पिनल कोड स्पेसिफिकली कोअर्जन में आता है ऐसा. समझ आए? डन. तो आपका डिफरेंस था किसका, वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट का. तो ये हमने बोला इसमें स्कोप, नेचर, पनिशमेंट, चौथा था आपका कोलेटरल एग्रीमेंट. चले आगे, ओके परफेक्ट. अब नेक्स्ट आपको यहां पर दिया गया प्रपोजल मतलब ऑफर की डेफिनेशन. तो ऑफर इज गिवन इन, है ना, ऑफर इज गिवन इन 2A, है ना. तो 2A क्या होता है भाई, मतलब ऑफर का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में? ऑफर मतलब होता है सिंपली किसी को पूछना, है ना. प्रपोजल ऑफर का मतलब होता है प्रपोजल एंड इसका सिंपली मतलब होता है किसी को पूछना. तो अगर आप किसी को पूछते हो तो क्या होता है, वो ऑफर होता है, है ना. अगर आप किसी को किसी चीज के लिए पूछते हो तो क्या होता है, वो ऑफर होता है. तो लेकिन लीगल वेडिंग्स कैसी है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनादर, ये कुछ तो वर्ड गलत आ गया. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनादर, है ना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनादर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ दैट अनादर टू सच एक्ट और एब्सटेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. है ना, यहां पर वर्डिंग्स कैसी है? व्हेन वन पार्टी या वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनादर, जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को सिग्निफाई करती है, सिग्निफाई करती है मतलब कम्युनिकेट करती है ना, सिग्निफाई करती है मतलब क्या, आपको कम्युनिकेट करती है. सो व्हेन वन पर्सन कम्युनिकेट्स टू अनादर हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ना कुछ करने की या फिर कुछ ना करने की इच्छा जताता है. एंड क्यों जता रहे? विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अनादर, हमने उसको इसलिए ऑफर दिया था कि हमको उसकी सहमति मिले टू सच एक्ट और एब्सटेंस, कुछ करने या ना करने के लिए हमको उसकी सहमति मिले, उसकी कॉन्सेंट मिले. ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल, तब हम कहेंगे कि आपने प्रपोजल दिया है. प्रपोजल बोले तो ऑफर, है ना, प्रपोजल बोले तो क्या, ऑफर. ठीक है ना, वापस से क्या इसकी डेफिनेशन, व्हेन वन पर्सन
सिग्निफाइज टू अनादर, मतलब कम्युनिकेट्स टू अनादर, क्या हिज विलिंगनेस, उसकी इच्छा जता रहे किस बात को लेकर, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, मतलब टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने या ना करने के लिए हम इच्छा जता रहे हैं, क्यों जता रहे हैं, ताकि उसकी मतलब विद व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अनादर, मतलब सामने वाली की हमको यहां पर एसेंट मिलनी चाहिए, मतलब माना कॉन्सेंट मिलनी चाहिए, ही सेट टू मेक अ प्रपोजल, याद रहेगा ना, ओके एक बार इसको खुद से लिखो, माना एक बार खुद से लिखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों की डेफिनेशन, माना बिना देखे एक बार खुद से लिखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, बिना देखे लिखना है, बिना पूछे भी, ओके माना तीन तीन भले साथ में बैठे हो, हमको पता है आपको याराना और दोस्ताना बहुत है, बट फिर भी देख देख के नहीं लिखना है, क्यों बीच में क्यों रखा है, बीच में सैंडविच क्यों बनाया उसका, तो आके बैठा है, शौकीन कौन है ज्यादा, क्या उधर क्या हो गया, उधर बहुत सामने हो रहा था क्या, और इधर बढ़िया, अच्छा चल ठीक है, इसको एक बार फटाफट से खुद से लिखो, बीसीआर में 40 out of 40 लाना इजी है क्या, देखो इंग्लिश है बीसीआर मतलब इंग्लिश, इंग्लिश में 40 में 40 लाना पॉसिबल है क्या, नहीं, बात ही खत्म, एक बार फटाफट से लिखना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन खुद से, हर्ष ये एसेंट की स्पेलिंग सुधार लो, मंजीत 10-15 मई के आसपास, रिवीजन आपका मोस्टली 15 मई के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है पहले भी हो जाए, बट ऑन एन एवरेज 15 मई के आसपास पकड़ के चलते हैं, इसकी चेहरे बहुत ही, लिखा क्या हो गया, लिख लिया ना ऑफर एक्सेप्टेंस दोनों, क्या पूछ रही है वैशाली, चलिए डन डन डन, चले हम आगे, कहीं पर कोई दिक्कत कोई समस्या, ओके चलिए देखिएगा, अब नेक्स्ट अपने को बोला है एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल या ऑफर, भाई देखो ऑफर आपका जो वैलिड होता है वो कब माना जाता है, जब क्या क्या चीजें उसमें हो, तो हमने क्या बोला है कि भाई अगर आप ऑफर देते हो तो यू शुड एक्सप्रेस योर विलिंगनेस, आपको अपनी इच्छा जतानी है कुछ करने की या कुछ ना करने की, ठीक है, आपने विलिंगनेस क्यों जताई है, कि सामने वाले का आपको एसेंट मिले, एसेंट मिले मतलब उसकी है ना सहमति मिले, कंसेंट मिले, एंड ऑफर जो है पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हो सकता है, कुछ करने के लिए भी हो सकता है कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मेरे पड़ोसी को जो जाके मारना है, तो ये ऑफर कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कुछ नहीं करने का एग्जाम्पल क्या होगा, कोर्ट में जाके गवाही नहीं देना है ना, वही कि भाई आप जो है बढ़िया कार चला रहे थे, रोड में जो पड़े हुए थे 300-400 थे, आपने उनको उड़ा दिया है ना, फिर आपने किसी को जाके बोला कि हमारे खिलाफ गवाही नहीं देने का है ना, हमारे खिलाफ गवाही जो है वो नहीं देने का, आपने किसी को ऑफर दिया इस बात के आपको 10 करोड़ मिलेंगे, ठीक है, तो ये कैसा ऑफर हो गया आपका, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव है ना, जब कुछ नहीं करने का ऑफर आता है, कुछ नहीं करने के लिए वर्ड क्या होता है, एब्सटेनेंस है ना, आपका वर्ड क्या होता है, एब्सटेंस, मतलब कुछ नहीं करने के लिए आप किसी को पूछते हो, ठीक है, एंड जो ऑफर देता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफरर, जिसको हम जो ऑफर देता है उसको हम कहते हैं ऑफरर या प्रोमिसर, एंड जिसको ऑफर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज
ऑफरी या फिर प्रॉमिस, ठीक है डन है। यहां तक कोई डाउट को दिक्कत तो बताइए, इजी है ना एकदम। चलिए अब तो यूनिट वन एकदम इजी इजी लगेगा आपको। सुनिए नेक्स्ट आपने को यहां पर बोला कि हाउ दी ऑफर इज मेड, तो एक्सप्रेस इंप्लाइड जनरल स्पेसिफिक, ठीक है मेन यहां से आपका स्टार्ट होता है। तो टाइप्स ऑफ ऑफर अपने पास कौन कौन से हैं, तो पहले बोला जनरल ऑफर, स्पेशल या स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर या फिर स्टैंडिंग ऑफर। व्हाट डू मीन बाय जनरल ऑफर, जनरल ऑफर में क्या क्या लिखोगे, द ऑफर विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज एंड आगे, एक लाइन में काम नहीं होगा ना, एक तो और लिखनी पड़ेगी कम से कम। एनी वन कैन एक्सेप्ट सच ऑफर आफ्टर फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर आपकी दो लाइन आनी जरूरी है, पहला वाला व्हाट डू मीन बाय जनरल ऑफर, द ऑफर विच इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर एंड एनी वन आउट ऑफ द पब्लिक आफ्टर कंप्लाइंग विद द कंडीशंस कैन एक्सेप्ट सच ऑफर। कंप्लाइंग विद द कंडीशंस, कंप्लाई करने का मतलब फुलफिल करना है ना, कंप्लाई करने का मतलब होगा यहां पर फुलफिल करना। तो जनरल ऑफर में दो चीजें लिखेंगे कौन कौन सी, वापस से पहला विच इज एन ऑफर विच इज गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज एंड एनी ऑफ द पर्सन आफ्टर है ना कंप्लाइंग विद द कंडीशंस कैन एक्सेप्ट द ऑफर, ठीक है ये पहला वाला पॉइंट, ठीक है। इसमें आपका ये वाला था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला आपका स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, बोले तो है ना एन ऑफर विच इज गिवन टू ए स्पेशल स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन, एन ऑफर विच इज गिवन टू ए स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन इज इट कॉल्ड योर स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर। देन एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय ओनली दैट पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, माने स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर में जिसको हमने ऑफर दिया था वही एक्सेप्टेंस देगा और को नहीं दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सर आपको दिया गया काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर मतलब है ना क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्टेंस मॉडिफिकेशन या सेंटेंस में कैसे डालोगे इसको। काउंटर ऑफर सिंपली मतलब क्या होता है, काउंटर करने का मतलब क्या होता है, सामने वाले की बात काटना है ना, काउंटर करना मतलब सामने वाले की बात काटना मतलब बहसबाजी करना। आप सब्जी लेने गए है ना, आप अंजीर लेने गए थे, आप अंजीर लेने गए थे, दुकानदार ने बोला 200 रुपए, आपने बोला नहीं 120 रुपए, उसने बोला नहीं 220, आपने बोला 140, उसने बोला 200, आपने बोला 160, तो ये क्या चल रहा है ना काउंटर ऑफर है ना, ये आपको समझ गया काउंटर ऑफर है। मोल भाव वगैरह करना है इस कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। अब इसको डालेंगे कैसे लैंग्वेज में, एक्सचेंज ऑफ आइडेंटिकल ऑफर्स, वो तो है ना क्रॉस ऑफर में आ जाएगा। तो आप इसको लिखोगे कैसे काउंटर ऑफर को, बहसबाजी करना, नेगोशिएशन करना, एग्जांपल सब्जी वाला ऐसा, हाँ जी मॉडिफिकेशन टू दी ओरिजिनल ऑफर, यस सो व्हेन एन ऑफर इज गिवन टू अनदर पर्सन बट दी अनदर पर्सन इज गिविंग दी मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस है ना क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब भी क्या होता है विद कंडीशंस है ना, क्वालिफाइड मतलब विद कंडीशंस। सो व्हेन अ पर्सन गिव्स ऑफर टू अनदर पार्टी एंड अनदर पार्टी इज गिविंग द मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस मींस अ क्वालिफाइड ऑफर और अ न्यू ऑफर, सच ऑफर इज कॉल्ड एज अ काउंटर ऑफर है ना। तो काउंटर करने का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को ऑफर दिया था, हमने बोला था कि हम आपको अंजीर बेचेंगे 240 रुपए में, आपने बोला नहीं नहीं 120 रुपए में, तो आई गेव यू एन ऑफर बट यू गिवन मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस मीन्स अ क्वालिफाइड ऑफर आपने यहां पर दिया हुआ है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू मतलब दिस इज कॉल्ड इज योर काउंटर ऑफर एंड पॉइंट नंबर टू इन द काउंटर ऑफर द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, काउंटर ऑफर में जो ओरिजिनल ऑफर है वो खत्म हो जाता है, काउंटर ऑफर में ओरिजिनल ऑफर जो है वो खत्म हो जाता है। कहने का मतलब अगर मैंने आपको पूछा था अंजीर 240 में लोगे क्या, आपने बोला था नहीं 120 रुपए में, मैंने बोला नहीं, आप दो दुकान घूम के आए, आपको पता चला कि भाई मार्केट में कहीं पर भी अंजीर नहीं है, तो आपने बोला ठीक है 240 रुपए में हम लेने के लिए तैयार है, तो क्या मैं मना कर सकता हूं है ना। फिर आपने बोला कि भाई मैं 240 में वापस से अंजीर लेने के लिए तैयार हूं, तो क्या मैं मना कर सकता हूं, मैंने बोला था 240, आपने बोला 120, तो मैंने ऑफर दिया था
आपने मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस दिया मतलब एक क्वालिफाइड ऑफर दिया, न्यू ऑफर दे दिया, है ना, वो न्यू ऑफर हो गया जो मैंने लेने से मना कर दिया। फिर आप बाद में आए और आपने बोला कि हम ओरिजिनल ऑफर लेने के लिए तैयार हैं, तो क्या मैं आपसे बाउंड हो जाऊंगा? आंसर इज नो, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर खत्म हो चुका है। जो मेरा ओरिजिनल ऑफर था ना, वो तभी खत्म हो गया था जब आपने मुझसे मोल भाव किया था। तो आपने जो भी बोला है कि हाँ भाई हम 240 में लेने के लिए तैयार हैं, दिस इज अ न्यू ऑफर, है ना, अभी आपकी तरफ से न्यू ऑफर है जिसका मुझे एक्सेप्टेंस देना है। अगर मैं हाँ बोलूंगा तो ही मैं आपको बेचूंगा, अदरवाइज नहीं। समझ आएगा, है ना, ओके। तो ये की पॉइंट्स है, तो काउंटर ऑफर में, है ना, आगे के भी डिस्कस कर लेते हैं। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर मतलब, है ना, एक दूसरे के ऑफर को क्रॉस करें और ये आपके एकदम आइडेंटिकल ऑफर्स हैं एंड मोर और लेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ये ऑफर भी कब दिए गए, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अरे मतलब क्या, अरे मतलब क्या, अरे इसका मतलब क्या कि मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपसे, अरे मैंने आपको ऑफर दिया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका खरीदना चाहता हूँ, घर खरीदना चाहता हूँ समझो 5 लाख में, और मैं आपको चिट्ठी लिख के दिया था, आपने भी सेम टाइम पे मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि क्या मैं आपका घर 5 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो दो पार्टीज ने यहाँ पर क्या किया है, ना, यस, नोट्स में अपन सुधार कर लेंगे, चिंता मत करो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, आइडेंटिकल ऑफर दिए हैं दोनों पार्टीज ने, एकदम सेम ऑफर दिए दोनों पार्टीज ने, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम भी सेम था, मतलब सेम डे पर हो सकता है, एंड दोनों को ये पता नहीं था, है ना, दोनों को ये पता नहीं था कि भाई ये ऑफर दिया गया है। बोथ पार्टीज वर अनअवेयर कि मैंने आपको घर खरीदने का ऑफर दिया एंड आपने घर बेचने का ऑफर दिया है। समझ आया, है ना, दीज आर कॉल्ड इज योर, है ना, क्रॉस ऑफर्स। तो वेदर टू क्रॉस ऑफर्स बिकम्स एन बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग अपन नोट्स में चेंज कर देंगे, चिंता ना करो, ठीक है, ये हेडिंग्स आप इंटरचेंज कर लेना, है ना, बच्चे यही बोल रहे हैं ना, है ना, आइडेंटिकल ऑफर दिए तो ये आपका हो जाएगा क्रॉस ऑफर, एंड काउंटर ऑफर दिए मतलब मॉडिफिकेशन मतलब ये, है ना, हेडिंग्स अपने को एक्सचेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या दो क्रॉस ऑफर यहाँ पर जो है, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं? नहीं, है ना, दो क्रॉस ऑफर, है ना, मिला के वहीं पर गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ओके। तो दो क्रॉस ऑफर कभी भी आपके एक्सेप्टेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। समझ आया, है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट आपको दिया गया यहाँ पर क्या, स्टैंडिंग ऑफर। नेक्स्ट अपने को दिया गया क्या यहाँ पर, स्टैंडिंग ऑफर। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडिंग ऑफर, विच रिमेन्स ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, जो विच रिमेन्स ओपन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इज योर स्टैंडिंग ऑफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑफर जो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल हो सकता है, अमेजोन पे सेल आई 2 दिन के लिए, स्टैंडिंग ऑफर। और अजुन, कौन सी डेट, एडमिशंस की डेट हो सकता है ये स्टैंडिंग ऑफर, और फॉर्म फिलिंग, सरकार ने टेंडर निकाला वगैरह वगैरह, ये सब चीज, है ना, सरकार ने टेंडर दिया हुआ है भाई आपको टेंडर वेंडर फिल करना है रोड रोड बनाने के लिए, तो आप कर सकते हो विद इन अ मंथ। तो जो ऑफर आपका ओपन रहता है अप टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इज योर स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। तो ऑफर के टाइप्स कौन कौन से हो गए, माना जनरल हो गया, स्पेशल या स्पेसिफिक हो गया, काउंटर हो गया, क्रॉस हो गया, एंड आपका माना स्टैंडिंग ऑफ। परफेक्ट है, माना समझ आया यहां तक, ओके। देन यहां पर अगर आप देखोगे तो जनरल ऑफर में आपको दिया गया था, है ना, जनरल ऑफर में था आपके पास ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो इस केस में क्या हुआ था, है ना, कौन इसमें एक्सप्लेन करेगा बताओ, है ना, यस, एक थी कौन सी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या बोला था कि हमारे स्मोक बॉल्स हैं, है ना, इनको आप यूज करो हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, आपको किसी भी हालत में क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, है ना, आपको जो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और जिसको हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यूज करने के बावजूद अगर इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम उसको क्या देंगे, हम इसको 100 pounds देंगे, है ना। तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी कि हमारे स्मोक बॉल्स ने मतलब एक तरह की दवाई है, उसका यूज करने का तरीका कैसा, कि स्मोक बॉल है ना, उसका जो आपके यहां पर ये वेपराइज करना पड़ता था
और अगर उसके बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम उसको क्या देंगे, है ना, 100 pounds देंगे। तो यहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम था कार्लिल, है ना, यहाँ पर एक कन्या थी जिसका नाम था कार्लिल। तो कार्लिल ने यहाँ पर क्या किया, इस स्मोक बॉल को यूज किया, फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो उसने इस कंपनी के ऊपर केस कर दिया और क्या बोला कि भाई देखो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने यूज किया है, फिर भी हमको इन्फ्लुएंजा हो गया, निकालो 100 pounds। कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी ने क्या बोल के मना कर दिया, क्या क्या, हाँ, पर कंपनी ने क्या बोल के मना किया, कंपनी क्यों मना कर रही थी, अरे यस, कंपनी ने ये बोला कि भाई आपने हमको इंटीमेट नहीं किया, आपने हमको इन्फॉर्म नहीं किया कि आपने दवाई यूज की, माना कार्लिल स्मोक बॉल आपका कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या बोला कि कार्लिल ने हमको बताया ही नहीं था दवाई यूज करने के बाद कि भाई इसने दवाई यूज किया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसने इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यूज किया कि नहीं। अब प्रैक्टिकली हम ऐसे करते हैं क्या, सपोज आप घर पे टूथपेस्ट लेके आए पेप्सोडेंट, तो खोलने के बाद पहले कंपनी को कॉल करते हो, देखो तुम्हारे यहाँ की टूथपेस्ट लाई है, अगर दांत वांत गिर गए हमारे या वाइट के ब्लैक हो गए तो भैया तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी, तो ऐसे हम बताते हैं क्या, नहीं। तो जनरल ऑफर में तो हमने क्या बोला था कि भाई जिसने भी कंडीशंस कंप्लाई कर ली हम तो मान लेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है, ना, जिसने भी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल कर ली हम तो यही मानेंगे कि उसने एक्सेप्टेंस दे दिया है, एंड एक बार अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर दी तो उसको फिर इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ना, उसको जो है इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, सही बात है ना। तो यहां पर कंपनी ने बोला था कि भाई कार्लिल ने हमको इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, है ना, कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई ये क्या है, एक तरह का जनरल ऑफर है, कोर्ट ने यहां पर डिसीजन दिया था कि भाई ये क्या है, एक तरह का जनरल ऑफर है, एंड जनरल ऑफर में अगर किसी ने भी, है ना, किसी ने भी अगर कंडीशंस कंप्लाई कर ली है तो उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो यही मानेंगे कि अगर कंडीशन फॉलो कर लिया तो आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, एंड एक्सेप्टेंस दे दिया मतलब वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। तो क्या यहां पर कार्लिल को जो है कॉम्पनसेशन मिला था क्या 100 pounds का, आंसर इज यस, ठीक है डन। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा केस लॉ। अब इसको लिखोगे कैसे, सपोज आपको बोला कि भाई डिफाइन जनरल ऑफर, सिर्फ इतना बोला मैंने डिफाइन जनरल ऑफर, तो पहले तो जनरल ऑफर का मीनिंग लिख दोगे, विच इज गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज एंड एनी वन आफ्टर कंप्लाइंग विद द कंडीशंस कैन एक्सेप्ट द ऑफर, इट इज कॉल्ड एज अ जनरल ऑफर। अब उसमें आप फॉर एग्जाम्पल लिखोगे As decided in the case of कार्लिल versus कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आगे ठीक है। अभी केस लॉ आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, मैंने पूरा केस लॉ आपको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करोगे, मतलब बेसिकली क्या है, ये कहानी है ना, है ना, केस लॉ मीन्स एक कहानी हुई थी, एक किस्सा हुआ था, झगड़ा हुआ था, अपन उसको पढ़ रहे हैं, बढ़िया है ना, बताओ। तो केस लॉ कैसे पढ़ोगे, मतलब लिखोगे कैसे, इन केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, आगे ठीक है, इसको और कोई प्रिसाइज करेगा थोड़ा सा, सही जा रहे हो, एकदम परफेक्ट जा रहे हो, है ना, कार्लिन देन यूज दी स्मोक बॉल्स देन, अरे शुभम रुक जाओ, है ना, कार्लिन देन यूज दी स्मोक बॉल्स एंड स्टिल गॉट इन्फ्लुएंजा इवन आफ्टर यूजिंग एज पर द इंस्ट्रक्शन, सो शी सूड ऑन कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी डिनाइड गिविंग द कॉम्पनसेशन स्टेटिंग दैट बिकॉज ऑफ द रीजन दैट कार्लिन डिड नॉट इन्फॉर्म रिगार्डिंग द यूज ऑफ द स्मोक बॉल्स, बट वॉट द कोर्ट डिसाइडेड, yes, what the court decided, it was a general offer, so it was not required to intimate regarding the usage, just a minute।
हमें बताइए। ठीक है, समझ आए कि नहीं है ना। इस तरीके से अपने को केस लॉ लिखना है। डन डन डन। हाँ जी बताइए। वो क्वेश्चन ना किस टाइप का आता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको बोला कि भाई डिफाइन जनरल ऑफर 3-4 नंबर का, फिर तो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपको कहानी बना के दिया कि भाई है ना राम ने सिप्ला लिमिटेड की दवाई खाई थी, बीमार हो गया, ऐसा वाला आया अगर, तो फिर आपको वही लिखना पड़ता है प्रोविजंस है ना, रेफरेंस ऑफ द केस लॉ, फिर आपका फैक्ट्स एंड कंक्लूजन है ना ऐसा। तो जब अपन वहां पर रेफरेंस ऑफ द केस लॉ डालते हैं, वहां पर समराइज डालते हैं ना, 3-4 लाइन में खत्म कर देते हैं ऐसा। ठीक है भाई, डन 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 है ना। चलिए हाँ जी, डाउट है अलग से नहीं आते है। हाँ यस, 3-4 लाइन में समराइज करके आपको लिखना है, बट सारी चीजें कवर अप होनी चाहिए। ओके, अब यहां पर आपको दिया गया नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर है ना। इसको अब रीड करना, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अभी मैं देख लेता हूँ कि आपके लिए कुछ अभी तक के जो हमने पढ़ा है, कुछ आपके लिए क्वेश्चन रेडी हैं क्या। अगर हो गए तो 2-3 लिख के आना। आपने एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं पढ़ा है ना, पोस्ट वाला भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं पढ़ा है, इन्विटेशन टू ऑफर भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको याद होगा होपफुली है ना। कौन सा वाला ऑफर नहीं, हाँ मतलब ये पढ़ा है, बट फिर वो आगे क्या है कि इनविटेशन टू ऑफर के साथ कंपेयर करो, तो आधा अधूरा मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं। एक्सेप्टेंस भी आपने नहीं पढ़ा है, ये वाला एक बार लिख के आना, लिख के आना प्रॉपर। देखो पेज नंबर 1.1.4 है, पेज नंबर आपका 1.1.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। मतलब ये सारे के सारे पास्ट एग्जाम एमटीपीज आरटीपीज हैं, जितने भी है 2018 से लेकर आज तक है ना, पास्ट एग्जाम एमटीपीज हैं, आरटीपीज हैं एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है 2018 से लेकर आज तक। तो क्वेश्चन 6 आपके होमवर्क में रहेगा, इतना आप लिखना है ना। और भी देखता हूँ जो जो हो गया वो सारा का सारा आपको देता हूँ। रुको नहीं, पहले मन से लिखने, आपके आपका पढ़ा हुआ है आपको मन से लिखने और फिर लैंग्वेज कंपेयर करनी है ना। आप कितना, 2 मिनट। जैसे देखो ये वाले तो कैसे हैं ना, डायरेक्ट 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 क्वेश्चन है। तो कभी भी आप जब लॉ के आंसर लिखते हैं ना, तो पहले प्रोविजन लिखना जरूरी है, स्टार्टिंग विद द प्रोविजन, और एक एक दो दो नंबर के रहे तो डायरेक्टली उसको आप कंक्लूड कर दोगे है ना। आप क्या करोगे, जैसे दो दो नंबर का, जैसे एकदम छोटा छोटा है ना, तो प्रोविजन क्या है एंड कंक्लूजन में विथ फैक्ट्स आप लिख दोगे। अदरवाइज क्या रहता है आपका, नॉर्मल रहा तो प्रोविजन रहता है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस आता है एंड आपका कंक्लूजन आता है। ठीक है, अगर लेकिन आपका केस लॉ रहा तो आप इसमें प्रोविजंस लिखो, फिर भले आप फैक्ट्स लिखो, फिर रेफरेंस ऑफ द केस लॉ लिखो, या रेफरेंस ऑफ द केस लॉ पहले भी आप लिख सकते हो है ना, एंड लास्ट में क्या लिखोगे आप, कंक्लूजन। मतलब स्टार्टिंग हमेशा आपके प्रोविजन से होगी है ना, एंड कुछ कुछ जो एकदम आपके डायरेक्ट आंसर्स आते हैं है ना, कुछ कुछ जो आपके एकदम डायरेक्ट आंसर्स आते हैं, बोले तो भाई डिफाइन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, तो उसमें ऑफर एक्सप्लेन करने का एंड डायरेक्टली उसमें एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने का, बस उतना ही है। ठीक है, मेरे पास 2-3 सेशंस हैं जिसमें मैंने क्लियर बहुत अच्छे से समझाया कि हर किस टाइप के आंसर को कैसे कैसे लिखा जाता है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं जो करवाया हुआ है आपका। कोई दिख रहा है कि आपको करवाया हुआ ऑलरेडी, सब कम्युनिकेशन वाली दिख रहे हैं, रिवोकेशन नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 1.1.6 का है ना, 1.1.6 का है ना। मैं आपको जो राइटिंग है ना कैसे करनी है, मैंने राइटिंग कैसे करनी है उसका मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसको देख के आना। ठीक है, देन 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 देन
ये सब इनविटेशन टू ऑफर वगैरह आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, आपका पेज नंबर है 1.1.8 ना, 1.1.8 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एमटीपी दिसंबर 21 का 4 नंबर का क्वेश्चन था, मैंने इसको लिख के आना। क्या बोल रहे हैं, 20 सेम ही है ना, मैंने यस, तो इसको भी सेम कवर अप कर दो आप, मतलब एक ही लिखा तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी आप कर लोगे है ना, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप कर लोगे, वो भी करना ठीक है। तो ये आई थिंक 4-5 क्वेश्चन हुए अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपको ट्राई करके आना है ठीक है, डन है ना। प्रोविजन में लिखना होता है, प्रोविजन में क्या लिखना होता है, जो लॉ में पढ़ा रहा हूं ना वो लिखना होता है ठीक है, जो लॉ में पढ़ा रहा हूं ना आपको वो लिखना होता है ठीक है। चलिए भाई, तो आज के लिए गाइस हम यहीं पर रुकते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस वाला जो है एक बार के लिए लिंक भेज देता हूँ ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, हाँ ना, कल संडे हम मुलाकात करें डायरेक्टली मंडे को, हाँ ना, विल बी मीटिंग डायरेक्टली ऑन मंडे। चलिए भाई।